अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चटपटी मज़ेदार सिंपल रेसिपी में बनाएंगे दाल। तो चलिए चेक करते हैं दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, देखिए इस तरह से गलना चाहिए दाल, तभी जब आपका सांभर टेस्ट आता है। इसे हमें थोड़ा सा दाल घोटनी से घोट लेंगे। सिंपल, आसानी से बना सकते हैं। अभी टीनेज के बच्चे सीखते रहते हैं ना, उनके लिए भी इजी है, ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो चिपके दाल घोटने से थोड़ा मोटा मोटा दरदरा घोट लेंगे। दाल में मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं गर्म पानी रखी हूँ, जब तक मैं दाल को घोट लूँगी। गर्म दाल में ठंडा पानी मिले तो टेस्ट चल जाता है। ज़रा पानी गर्म डाले तो दो कुपी बराबर रहता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। पक रहा है दाल के लिए, बिस्मिल्लाह। ऐसा वो ठंडा पानी मिला दाल, क्या होता है दाल भी ठंडी हो जाती है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। एक टमाटर बचा के रखा था दाल में, इस तरह से सादा डालने के लिए। सारा सारा सांभर में मिलता है ना, सब टेस्टी रहता है। मूलियाँ का सांभर बना रही हूँ, बिस्मिल्लाह। मूलिया माला में चले रेडिश नहीं माला में चले मुलंगी माला मिला अंदर मुलंगी कन्नडाली हेल्ती मुलंगी सांभर तुम टेस्टी नन स्टैल नोड़ सती टेस्ट जितना तेज खाते हैं उतना डाल लिए। मैं यहाँ पर आधा चम्मच स्पून ये घर में पिसा हुआ मिर्ची काटा डाल रही हूँ। सांभर पुड़ी होममेड, इसकी भी रेसिपी जल्दी आने वाली है तो मैं ये घर में बनाई हूँ, तो इसमें मैं 1.5 स्पून डालूँगी। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा जीरा पाउडर घर में भुना हुआ कुटा हुआ जो भी समझिए डाली हूँ। तो मैं इतना सब कुछ आपको दिखा रही हूँ, मेरे चैनल पे नहीं आ रहे तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह ऐसे ही इजी रेसिपी लाऊंगी। थोड़ा सा कड़ी पत्ता यानी कि करे पत्ता डाल देंगे, सांभर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसी टाइम पे मैं हाफ प्याज कट करके रखी थी ना, वो भी डाल दूँगी, ताकि सांभर में आप देखे होंगे कि सारा सारा मिलता है, थोड़ा बहुत तो डालना चाहिए। अभी मैं थोड़ी सी आधी नींबू से भी थोड़ी सी रखी हूँ, ज़्यादा खट्टा रह जाता है सांभर अच्छा नहीं रहता, टेस्ट ख़राब हो जाता है। अमली जो गर्म पानी रखी थी ना उसको मैं डाल दूँगी। देखिए गर्म पानी डाले तो टेस्ट अच्छा आता है। तो इसे एक बार हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जितना आपकी ज़रूरत है, पतला ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अभी इसी डिब्बे में अमली का पानी भी डाल दूंगी, चेक कर लेंगे हम। दाल गलने के टेम्पो में डाली थी, बिस्मिल्लाह थोड़ा सा डालेंगे। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो अभी मैं एक ही बार ढक्कन नहीं लगाऊंगी, थोड़ा सा पकने के बाद ढक्कन डालूंगी। तो मसाला दाल को मूलियां डालने के बाद इस तरह से कुकर में पकना है, तब जाको सीटी लगाना है। देखो ऐसा मिक्स करको, नमक सब चेक कर लियो, उसके बाद सीटी लगाए तो सालन टेस्टी बनता है। नमक बिल्कुल कम नहीं होना, टेस्ट के हिसाब से रहना। स्टार्टिंग की क्लिप मैं ऑन करी थी, मालूम नहीं कैसा रिकॉर्ड नहीं हुआ बोल को। फर्स्ट मैं दाल को भिगो के रखी थी 10 मिनट के लिए, 1/2 आवर के लिए, जैसा आपके पास टाइम रहता वैसा। मसूर की दाल, तुअर की दाल, एक प्याज, टमाटर और थोड़ा सा नमक, हल्दी, तेल, दाल को उबाल ली थी। उसके बाद मैं जो मसाले अभी दिखा रही हूँ वही डाल के पका रही हूँ। ढक्कन लगा देंगे, बिस्मिल्लाह। लो कम सांभर की सीटी भी आ रही है, देखिए 1 से 4 सीटी आई तो सालन बहुत टेस्टी बनता है। तो 1 से 4 सीटी आई तो भी परवाह नहीं, सांभर कितना गल को पकता है कि उतना खुशबू। तो 2 सीटी आ गए, 4 सीटी को मैं नीचे उतार दूंगी। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है सांभर से, सिंपल से देखिए पकाइए। तो 4 सीटी आने के बाद मैं इसे रखी हूँ यहाँ पर, मैं बनाने के लिए तेल डाल के रखी हूँ 4 स्पून, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, दाल के सालन को बहुत टेस्टी रहता है। 2 मेथी के दाने, 1-2 कते 4-5 ही, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और राई, इसीलिए सालन टेस्ट होता है। और आधी प्याज, थोड़ा सा ज्यादा
रखो एक मिनट, बिस्मिल्लाह। तो देखिए एकदम परफेक्ट कम मसालों में और टेस्टी सांभर। तो देखिए यहाँ पर ऐसा करना, तो यहाँ पर बघार को थोड़ा जलाइए, कच्चे बघार में तेल में डालिए मत। तो देखिए बिस्मिल्लाह, जैसे ही बघारते हैं थोड़ी देर मुलता लिए, खुशबू पूरी बघार के अंदर ही छती है। खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह। कम मसालों में सांभर बनाई हूँ। मेरे YouTube फैमिली से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपका सांभर शेयर करो बोल को। तो चलिए चावल भी रख दूंगी, खाना भी कैसा बनाते हैं वो भी दिखाऊंगी। आज सिंपल रेसिपी दाल की मैं शेयर करी हूँ, मेरे स्टाइल में बना के देखिए, बहुत टेस्टी बहुत मज़े की रहती है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर कढ़ाई लियो, थोड़ा सा 1/4 स्पून ऑयल डालियो, इसमें प्याज अंडे का भुर्जा बनाएंगे, बहुत टेस्टी रहता है दाल के साथ। थोड़ा सा प्याज को पिंक कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक और मिर्ची भी डालूँगी। दो मिनट पकने देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तो आपको जितने अंडे उतना डाल के मिक्स करके दम पे छोड़ दो, अंडे का भुर्जा आराम से बन जाता है। और यहाँ पर दाल और गर्मा गर्म चावल के साथ मैं अंडे का भुर्जा भी खा लूँगी। आइए मेरी यूट्यूब फैमिली बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। माशाल्लाह बहुत यम्मी बहुत डिलीशियस रेसिपी थी आज की, ज़रूर से ट्राई करिए। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी गर्मा गर्म। कैसा है मोमो? अच्छा है, बहुत टेस्टी भी है। आइए मेरी यूट्यूब फैमिली बिस्मिल्लाह शुरू करेंगे। हेल्दी फूड खाना नहीं, हाँ धूप के टेम्पो ऐसा सब खाना और हेल्दी भी रहता है और पेट ठंडा भी रहता है। होममेड ज़रूर। जो लंच हमारा माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए हम लोग, तो कल मैं जहाँ पर स्टॉप करी थी वहाँ से शुरुआत करूँगी। सिर्फ इसमें मैं लंच का वीडियो ऐड करी हूँ, बाकी का पूरा आप देख लीजिए। सब कुछ है यहाँ पर, सीढ़ियाँ तुम्हारा नहीं करते दुकान वाले देंगे। अरे मम्मा कैसा है ना? वो नको ये रफी है, हाथ छुपता है, ये स्मूथ आता है। तुम्हें लेती ना वो वन शाइनिंग का बना लो जल्दी, क्लोजिंग टाइम हो गया। हाँ यहाँ पर देखिए, अगर कल्याण की छोटी आप सीजन है इसका, अगर होना रहे तो उनका एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा है इसमें 200 का है, 250 का है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो यहाँ पर हम रास्ते से जा रहे थे, माशाल्लाह पहले भी देखी थी यहाँ पर जाने का सोची थी, तो आज मैं यहाँ से संडे बाज़ार से जा रही थी तो यहाँ पर भी कलेक्शन देखेंगे बोल को अंदर आए। तो आज संडे था ना, तो इनको ये जो दुकान वाले हैं उन पिक्चर जाना था, तो टाइम तो ऑलरेडी पूरा क्लोज कर दे लेते हैं। थोड़ा बहुत वीडियो बनाई हूँ, बहुत अच्छा कलेक्शन से, तो पाँ बिनू भी बताने की चाहत रखे थे
लेकिन उनके भी संडे होता है हॉलीडे, इसीलिए बोले कि हम दो दिन छोड़ का फुल वीडियो बनाओ बोल के। चलो इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो ये दुकान का एड्रेस है, बोल मोमो इनको जरा। माताजी फैंसी स्टोर्स। बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है और दाम भी बहुत सस्ता है। दाम तो माशाल्लाह, मगरिब के टाइम पर देखो कितना प्यारा व्यू है और ठंडी हवा भी थी। तो जाते जाते हमें अभी जाएंगे बर्मा बाज़ार, नज़दीक ही था वहाँ पर बर्मा बाज़ार, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। अच्छा लगता है अभी वीडियो बनाना, बिल्कुल ऐसी ऐसी जगह मैं भी देखी, जो कुछ नहीं देखी थी वो सब कुछ मैं देखी हूँ आपके थ्रू। मेरी यूट्यूब फैमिली आपके लिए कंटेंट क्या लाऊँ क्या लाऊँ बोल के हर चीज़ कहाँ पर क्या मिलती है, कहाँ से कौन सा कलेक्शन अच्छा मिलता है। यहाँ पर आए हूँ बर्मा बाज़ार। ये क्या स्पीकर है? हमारे है नहीं। ये आपको बात करने की गुड़ी, ये मिलन में है वाला था। हाँ मालूम, बच्चे के सामने रख कर दिया। ये तो नहीं क्या सत्य तो वर्मा बाज़ार देखिए क्या क्या शॉपिंग कर सकती हैं आप। पर ऐसा छोटा फैन, फेशियल करने के टेप, या घर में ऐसे ही दूध ठंडा करने बच्चों को, मैं मोमो को इसी तरह का फ़ैन यूज़ करती थी जब मोमो छोटा था। ये हॉट बैग, ये लाइट, ये लाइट कितना पूछो, ये लाइट शो लाइट बेसबॉल टीका कौन सा इसमें आप करिए? ये जेम बंदर का था, 5200 का, डबल कैमरा डबल बैटरी, 350 मीटर से दूर जाता है, लाइट नहीं आता इसमें। ऑन करो J1 तो हुआ वो बेटर की है। ये J1 उनका उनका मिल गया। क्या नहीं जरा रखते हैं4000 बाहर लिए तो ज़्यादा होता है, यहाँ सारा कम डिस्काउंट में। हर चीज़ है यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, टीन एज के लिए, और मोबाइल के जो भी चीज़ें मिलती हैं रिपेयर, हाँ रिपेयरिंग के वास्ते, फिर वो क्या बोलते हैं ऊपर वो क्या वो डिस्प्ले लगा, तो वो सब कुछ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ का एड्रेस बर्मा बाज़ार का, अगर आप बेंगलुरु से हैं तो मालूम है, बाहर से आती ना उनको ज़रा मालूम नहीं रहा, तो उनके लिए यहाँ पर एड्रेस भी डाल रही हूँ। बर्मा बाज़ार में ये हांगकांग बाज़ार है, यहाँ पर देखिए क्या क्या है। आपकी वजह से मुझे भी सब कुछ बेंगलुरु में क्या क्या है, बेस्ट क्वालिटी से लेकर कम रेंज तक, वो सब कुछ मुझे भी मालूम हुआ। जैसे मैं वीडियो बनाने जाती हूँ तब मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, माशाल्लाह देखते देखते कहाँ पर क्या है वो सब कुछ भी मुझे भी मालूम हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे जैसा बने, कोई भी चीज़ अच्छी ले सकें आप, पैसे वेस्ट नहीं होना।
ऐसा है मामा खाओ अच्छी है टेस्ट अच्छा है अंदर आप बैठो बचपन याद आता है इसका पहले हमें ऊपर से नहीं खाते थे इसे ऐसा खाते थे ठंडा लगना नहीं बोल को बिस्किट के साथ में अदरक की कदर को आएगा तो ना जाते ना बोल में खाना खा लेको पिक्चर देख लेको कपाली नाम मशहूर बेंगलोर में हो एक तोफा पिक्चर के इकला लगी छोटी जब बहुत छोटी मिन्नची मिन्नची उजाले में अभी हो गई भंडारा तो अभी जा रही हूँ मैं घर रज्जा को वीडियो एडिटिंग कर बता दी पूरा वीडियो देखिए प्लीज आपके लिए मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ आप इतना नहीं कर सकते मेरे लिए एक टाइम को 500 रुपए देती हूँ ऑटो के पैसे भाई तो देखिए लकड़ियाँ भी फ्री है सभी फैक्ट्रियाँ तो संडे आज बंद है और सिलगाने में भी इजी रहती है आप बोल देना लकड़ियाँ कहाँ से लाती हैं बोल को फिल्टर है तो सिलिकॉन नहीं अच्छा सादे रहना और चीरने भी नहीं रहा ये नहीं याद आराम से पकाएगा चुका फिर उठा दो चुका बेटा तो चटनी का तड़का लगाएंगे काले मिर्च राया और करी पत्ता साथ में करी पत्ता बस यहाँ पर पकड़ी डिनर में इडली गर्मा गर्म टन टन देखो बस क्या लहसुन बस मोमो यहाँ डालू देखो बस लहसुन प्याज हरी मिर्ची और फली की बीन्स और कच्चा नारियल यानी कि कच्चा खोपड़ा नमक थोड़ा सा इमली नहीं डालती मैं चटनी में अभी पीस को दिखा दो निकल लाओ घर आने के बाद यहाँ पर मैं बनाई थी चटनी और इडली और दाल चावल और फाल सभी रखो गई थी वो खाने का मूड नहीं था हमें तो इस तरह से हमारा मूड बन जाता है घर आने के बाद ये चटनी का नाम क्या कोकोनट चटनी अच्छा माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी दाल भी है देखिए यहाँ पर चटनी मेरा फेवरेट है इडली के साथ बहुत सॉफ्ट बहुत डिलीशियस बनी थी वही आपको दिखा रही हूँ यम्मी यम्मी चटनी कैसी थी मोमो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी बहुत टेस्टी भी थी तो वहाँ से आने के बाद अब इडली खा के थोड़ी सी चाय पीती हूँ आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिए
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल कर दीजिए। नए वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।